कि आज नांदेड जिल्ह्याचा लोकसभा बिनविरोध होईल का आणि तेवढ्या याच्यामध्ये संकटामध्ये जो झंडा धरले माननीय वसंतराव चव्हाण साहेब या अडचणीमध्ये त्यांनी सांगितलं आपल्याला खूप मोठ्या पक्षासोबत आणि पूर्ण धनदांड्यासोबत त्या ठिकाणी आपल्याला युद्ध करायचं आहे तर आपल्या सामान्य लोकांनी आपल्या बाजूशी राहतील का. आम्ही सर्वांनी महाविकास आघाडीचे सर्व आम्ही सर्वांनी सांगितलो की हा ही लढाई सिर्फ 5 मिनट के लिए जब घर में आप खड़े होकर अपने मासूम बच्चों को नींद में सोते हुए देखकर उनके मुस्तकबिल के बारे में जरा और करो. देखा कि ये आम लोगों में मिलजुल कर लोगों के लिए दवाखानों में मौताओं में हमेशा. आज देगलूर शहर गुम्बद में से यहाँ पर एक महाविकास आघाड़ी की सभा मुनक़द की गई थी जिसके अंदर जाकिर चौस भी मौजूद थे और जैसे कि देख सकते हैं कि मोर्गा जिला शिवशेटवार लक्ष्मीवत पद्मवार और तमाम महाविकास आघाड़ी के लोग यहाँ पर जमे हुए. जैसे कि जाकिर चौस साहब जैसा कि आप कहेंगे कि देगलूर नांदेड़ जिले के लोकसभा सीट के लिए पंत प्रधान नांदेड़ में आ चुके हैं और नरसी में जो सो गृहमंत्री आ चुके हैं और परसों नितिन गडकरी साहब आ चुके हैं. कैसे देखेंगे आप ये इस चुनाव में नरेंद्र मोदी पंत प्रधान देश के गृह मंत्री और नितिन गडकरी इसलिए आए कि क्योंकि उनको मालूम है कि नांदेड़ की सीट चुन के आने वाली नहीं ये उनको पहले पता लग गया इसलिए जो है सो उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रही कि उनकी सीट आना मगर उनका आने जाने से पब्लिक में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है क्यों तो नरेंद्र मोदी साहब के जुमले झूठे जुमले सबको पूरे हिंदुस्तान को मालूम है इसलिए उनके झूठे जुमलों में कोई नहीं आने वाला है. जैसा कि आज की जो जैसा जुम्मा के दिन जैसा कि आप वोटिंग होने जा रही है कि माहौल क्या बना हुआ है ये सारी की नज़र लगी थी आपके इरादे क्या कहेंगे. नांदेड़ ज़िले के अंदर नांदेड़ लोकसभा में तो वसंतराव चव्हाण हर कौम का हर जात का आदमी उनको वोटिंग करने वाला है और उनकी जो जीत है करीबन 1.5 से 2 लाख के लीड से चुन के आएंगे. वो देगलूर शहरामध्ये आज सर्व पक्षाला घेऊन चालणार आहे. एकमेव माजी नेते मोगलाजी शिवसेना आपल्या सोबत आहेत आणि त्यांनी आज देगलूर शहरामध्ये एक देगलूर गुंबद बचत एक महाविकास आघाडीतर्फे आज मित्रपक्षातर्फे एक सभा आयोजित केली होती. ती सभेमध्ये हजारो संख्येने उपस्थित लावली. देगलूर शहरामध्ये सहसमी मेरी आवाज न्यूज 24 लाईव्ह देगलूर.